आज जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आप गुलाब की पंखुड़ियों से अपनी स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन जब भी आप ये पेस्ट अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी स्किन काफ़ी चमकदार और नीट एंड क्लीन हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो है गुलाब की पंखुड़ियाँ, हनी, मलाई और बादाम। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए आप गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ ले लें और उसे अच्छे तरीके से आप इसमें मिक्स कर लें। आप इसे अच्छे तरीके से मैश कर लें। जब ये अच्छे तरीके से मैश हो जाए तो आप इसे एक बाउल में खाली करें। इसके बाद हम लेंगे कुछ बादाम और उसे कद्दूकस करेंगे। बादाम में एक नेचुरल ऑयल होता है जो आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा ग्लो देता है। इस बादाम के पाउडर को हम इसमें मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच मलाई और थोड़ा सा हनी। और हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चम्मच से अच्छे तरीके से नहीं मिक्स कर पा रहे हैं तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें और इसे देखिए इस तरीके से। तो ये जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं इसका जूस इसमें मिक्स होगा और साथ में जो बादाम हमने लिया है वो भी मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए ये इस तरीके से हमारा फेस पैक तैयार है। इसे अप्लाई करने के लिए आप अपने फेस को पहले अच्छे तरीके से धो लें, फिर जैसे आप पार्लर में फेशियल वगैरह कराते हैं उसी तरीके से इसी फेस पैक से आप अपने फेस में फेशियल करें। 15-20 मिनट मसाज करने के बाद आप इसे सूख लें, छोड़ दें। और सूखने के बाद आप एक कॉटन में थोड़ा सा दूध ले लें और उस दूध से अपने फेस को साफ करें। साफ करने के बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से धो लें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है और सब आपसे ये बोलेंगे कि क्या बात है, आज तो आप बहुत चमक रहे हैं। कैसा लगा ये मेरा फेस पैक आप प्लीज़ मुझे लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच।